अस्सलाम वालेकुम, एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ़ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अफ़गानिस्तान का एक वफ्त जिसमें उनकी जो अहम वजारतें हैं उनके नुमाइंदे शामिल हैं, इन दिनों चीन के दौरे पर है और चीन में वहाँ पर उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। जो अफ़गानिस्तान की या तालिबान की जो वजारत खारजा है उनकी तरफ से जो बयान सामने आया उसमें लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है और उसमें चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो तजारती ताल्लुकात हैं, चीन की तरफ से जो इकोनॉमिक असिस्टेंस है इसके ऊपर बात हुई है और मुख्तलिफ जो मंसूबों के ऊपर चीन मुमकिन तौर पर सरमायाकारी करना चाहता है, ख़ास करके वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके हवाले से डिस्कशन हुई है। लेकिन मैं फोकस करूँगा उस स्टेटमेंट के बिल्कुल आखिर में जाके जो तालिबान की वजारत खारजा के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से डिस्कशन हुई है उस पर फोकस करना चाहूँगा और वो इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से भी है और तारीखी एतबार से भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो उस बयान में बुनियादी तौर पर यह कहा गया है जो तालिबान की वजारत खारजा की तरफ से जारी हुई है, उसमें ये कहा गया है कि जो इस इन मुज़ाकरात में जो डिस्कशन हुई है उसमें इस पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस किया गया है। रादर एक तो जो इम्पोर्टेंस है वाखान जो कॉरिडोर है और मुमकिन तौर पर इस राहदारी को खोलने के हवाले से भी डिस्कशन हुई है। अब ये जो वाखान कॉरिडोर है ये आज मैं आपको एक तो कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन भी करूँ मैंने इसके हवाले से जो रिसर्च की है और इसकी क्या स्ट्रेटिजिक सिग्निफिकेंस है ये भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं अगर आप देखें तो मैं ये डिस्प्ले भी किया हुआ है, ये जो वाखान कॉरिडोर है ये आपको एक मैप नज़र आ रहा होगा। तो ये वाखान कॉरिडोर जो बीच में आप कह लेंगे जो येलो या ब्राउन जो आपको एक स्ट्रिप नज़र आ रही है ये वाखान कॉरिडोर है। वाखान जो है ये ज़िला है जो अफ़गानिस्तान का बदख्शां सूबा है और ये बहुत एक रिमोट और आइसोलेटेड सूबा है अफ़गानिस्तान का। और यहाँ से फिर जो वाखान कॉरिडोर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 350 किलोमीटर की एक पट्टी है, नैरो पट्टी है। अगर आप नक्शे में भी इसको देखें तो कहीं से चौड़ी है कहीं से बहुत तंग है, ये जाकर फिर मिलती है चीन की सरहद से और कोई 92 किलोमीटर्स का जो चीन की बाकी ममालिक के साथ सरहदें हैं, ये एक शॉर्टेस्ट बॉर्डर है चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान। और जो चीन का सूबा वहाँ पर लगता है वो सिंकियांग है, ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो वाखान कॉरिडोर है इसको चार ममालिक लगते हैं। अगर आप नक्शे पर गौर करें तो उसके शुमाल में आपको ताजिकिस्तान है, जनूब में पाकिस्तान यानी कि ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है और चतराल वगैरह ये इलाके यहाँ पे इसके साथ लगते हैं। फिर बिल्कुल मशरक़ के एंड पे जाकर अगर आप चाहें तो ये जाकर फिर कॉरिडोर जो है वो चाइना को जाकर लगता है और चाइना का जो सिंकियांग सूबा है इलाका है, एटोनमस जो रीजन है वहाँ पर इसकी जो सरहद है वहाँ पे मिलती है। अब ये जो वाखान कॉरिडोर है अगर आप पुरानी तारीख उठा के भी देखें तो इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। कहा यह जाता है कि ओल्ड जो सिल्क रूट है, शरायर जो रेशम भी जिसे कहते थे और ये जो एक्सेस था चीन और जो बाकी जो खित्ते के ममालिक थे उनके दरमियान, तो माजी में तारीखी एतबार से बड़े बड़े जो इन्वेडर्स भी यहाँ पर आते रहे तो इस जो कॉरिडोर को वो इस्तेमाल करते रहे। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जो चेंज आया वो 1895 में जब ड्यूरन लाइन बनी, क्योंकि उस वक्त दो बड़ी ताकतें थीं, एक तरफ रशिया था रूस था और दूसरी तरफ बरतानिया था। तो इन दोनों को ये खदशा था कि अगर इनकी सरहदें आपस में मिलेंगी तो खुद ये ना हो कि जो दो बड़ी ताकतें हैं इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाए। तो 1895 में जो एक बाउंड्री कमीशन बना तो उसके तहत ये दोनों रशिया और उसके बाद बरतानिया ने ये फैसला किया कि उन्होंने एक बफ़र जोन क्रिएट किया। अब बफ़र कैसे क्रिएट किया, अगेन वो नक्शा आपके सामने है कि क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त जो बरतानवी हुकूमत थी यानी कि जो हिंदुस्तान उस पर हुकूमत कर रहा था बरतानिया, तो ज़ाहिर है कि वो बरतानिया की एक रियासत तस्वर किया जाता था। और दूसरी तरफ जो आपको ताजिकिस्तान है जो उस वक्त जो रूस के ज़ेर असर था, तो आपस में ताकि दोनों ये जो बड़ी ताकतें ना टकराएं तो ये फिर एक बफ़र क्रिएट किया गया जो वाखान कॉरिडोर जिसे आप कहते हैं, जिससे ये आपस में एक तो बफ़र क्रिएट हो गया और उससे जो अफ़गानिस्तान और जो चीन की जो बॉर्डर है वो फिर आपस में मिल गया। ये एक तो इसकी हिस्टोरिकली ये तारीख रही है।
अब जो डिस्कशन यहाँ पर हो रही है कि इस पर बहुत सालों से बातचीत होती रही कि चीन और अफगानिस्तान के दरमियान वाखान जो कॉरिडोर है उसके ज़रिए बराह रास्त तिजारत हो और ये शॉर्टेस्ट आप कह सकते हैं कि रूट होगा बिटवीन अफगानिस्तान एंड चाइना तिजारत के हवाले से। और ना सिर्फ एक तो चीन अगर अफगानिस्तान के साथ तिजारत कर सकता है और इसके ज़रिए वो सेंट्रल एशिया तक भी रसाई हासिल कर सकता है। तो ये जो डिस्कशन अब हो रही है ख़ास करके जो अफगान तालिबान का ये वो दावा भी कर रहे हैं कि जो बदख्शां सूबे से लेकर के चीन के बॉर्डर तक एक सड़क के ऊपर भी तामीर हो रही है ताकि अगर मुस्तकबिल में ये वाखान कॉरिडोर खोला जाता है तिजारत के पर्पज़ के लिए तो फिर वहाँ पर जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मौजूद हो ताकि अफगानिस्तान और चीन के दरमियान बराह रास्त आपस में तिजारत हो सके। अब ये जो वाखान कॉरिडोर है ये पाकिस्तान के लिए भी इसकी बड़ी जियो स्ट्रेटिजिक सिग्निफिकेंस है। वैसे तो थ्रू अफगानिस्तान डिफरेंट रूट्स हमारा सेंट्रल एशियन रियासतों तक एक्सेस है, लेकिन इस वाखान कॉरिडोर के ज़रिए अगर आप देखें नक्शे के ऊपर अगेन कि इस वाखान कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान ताजिकिस्तान को एक शॉर्टेस्ट और ईजीएसट वे है वहाँ तक रसाई हासिल कर सकता है अगर ये वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को इजाज़त दे दे कि थ्रू वाखान कॉरिडोर हम ताजिकिस्तान और फिर जो बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उन तक रसाई हासिल कर सके। तो ये चार जो ममालिक हैं आप कह सकते हैं कि उनके बिल्कुल उस उसके ऊपर ये वाखान कॉरिडोर वाक़ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन एंड ताजिकिस्तान। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या वाकई ये मुमकिन है, क्योंकि देखें ये जो अफगानिस्तान है या अफगान तालिबान है उनके पाकिस्तान के साथ आपको पता है कि ताल्लुकात की नौयत इस वक्त क्या है और पाकिस्तान ने भी हालिया महीनों के अंदर जो अपनी इकोनॉमिक लेवरेज है उसको इस्तेमाल किया, बहुत सी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत से ऐसे मेजर्स लिए ताकि अफगानिस्तान को जो इस हवाले से मजबूर किया जा सके कि वो TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो उसको देखते हुए अफगान तालिबान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है, अक्सर जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो बंद हो जाती है, तो वो मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने तस्करा किया था कि ईरान की जो चाबहार पोर्ट है उसके ज़रिए वो चाह रहे हैं कि एक ऑल्टरनेट ढूंढें, फिर ये अगर उनको ऑल्टरनेट मिल जाता है वाखान कॉरिडोर के ज़रिए तो उसके साथ ना सिर्फ वो चीन के साथ तिजारत कर सकते हैं बल्कि बियॉन्ड जो उनकी एक्सेस है टू द इंडियन ओशन थ्रू चाइना वो भी हो सकती है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या चीन जो है दो के उसने इंटरेस्ट शो किया है कि वो तिजारत करना चाहता है अफगानिस्तान के साथ, क्या इस वाखान जो कॉरिडोर है उसको वो ओपन करना चाहता है। इसके हवाले से मुख्तलिफ आई थिंक ख़बरें हैं कि चीन को कंसर्न ज़रूर है कि आपको पता है कि ये वाखान कॉरिडोर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दूसरी तरफ एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ सिंकियांग, और सिंकियांग वही जहाँ पर मुस्लिम एक पॉपुलेशन है चीन की, और चीन को कंसर्न रहा है जैसे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक जो मूवमेंट है जिसकी प्रेजेंस सिंकियांग में और ख़ास करके जो उनके फाइटर्स हैं या मिलिटेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग अफगानिस्तान में मिलती है और उनकी अफगानिस्तान में मौजूदगी है, तो उनको ये खदशा हमेशा से रहा है कि अफगानिस्तान के साथ ये जो सरहद मिलती है ये चीन का जो सिंकियांग का इलाका है उसको डिस्टेबलाइज भी कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान चीन जो है वो इस हवाले से काफ़ी कंसर्नड है कि क्या अगर हम वाखान कॉरिडोर को ओपन करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से जो हमारा सिंकियांग का इलाका है उसमें डीस्टेबलाइजेशन हो जाए। तो अफगानिस्तान की यकीनी तौर पर तालिबान की ये ख्वाहिश है कि ये वाखान जो क्रॉसिंग है या कॉरिडोर है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल वो ओपन हो, लेकिन क्या चीन ऐसा करेगा ये अब देखने वाली बात है। दूसरा ये है कि अनलाइक पाकिस्तान अगर आप देखें कि चीन के जो ताल्लुकात हैं वो अफगान तालिबान के साथ ग्रेजुअली उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, ना सिर्फ चीन ने अफगान तालिबान की तरफ से नामजद करता जो सफ़ीर है उसको कबूल किया बल्कि अपना फुल टाइम एम्बेसडर भी वहाँ पर भेजा, फिर जो उनकी इंगेजमेंट है जैसे इंटर मिनिस्ट्रियल जो डेलीगेशन था तालिबान का वो चीन गया हुआ है और वहाँ पर वो ब्रॉड बेस्ड जो डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसके हवाले से एक नुक्ता नज़र ये है कि चाइना की जो अप्रोच है, चाइना ऑब्वियसली अफगानिस्तान के अंदर जो इतने अरसे से इंस्टेबिलिटी रही है और अभी भी है वो ऑब्वियसली कंसर्नड है और वो ये चाहता है कि चाइना में जो भी पावर में हो, कम अज़ कम जो भी पावर में हो उसका जो कंट्रोल है वो पूरे अफगानिस्तान में हो, और अगर पूरे अफगानिस्तान में उसका कंट्रोल होगा तो जिस तरह के ये दहशतगर्द ग्रोह हैं ईस्ट तुर्किस्तान खासकर इस्लामिक जो मूवमेंट है, तो अगर काबुल के अंदर एक ऐसी हुकूमत होगी जिसका पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल होगा तो उनके लिए ये आसानी होगी
کہ وہ اس طرح کے گروپوں کو ٹیکل کر سکیں، دو کہ وہ مے بی افغان طالبان کو پرسنلی پسند نہ کرتے ہوں، لیکن ابھی ان کو یہ لگتا ہے کیونکہ افغانستان کے اندر طالبان ہی ایک پاورفل فیکٹر ہے، اور ان کو انگیج کر کے، ان کو انسینٹیوز دے کے کہ اگر وہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، چین کے سیکیورٹی کنسرنز کو ایڈریس کریں گے، تو جو چین ہے وہ افغانستان کے اندر اکنامک اسسٹنس لے کے آئے گا، جو انٹیپڈ ان کے نیچرل ریسورسز ہیں ان کو نکالنے میں افغانستان کی مدد کرے گا، پھر کئی اور حوالوں سے آبویسلی چین کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، باقی ایسے آبویسلی ایشوز ہیں جس میں وہ افغانستان کی مدد کر سکتا ہے۔ تو جو چین کی اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ انگیج کر کے، ان کو انسینٹیوز آفر کر کے اپنا جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ ایڈریس کروائے جائیں۔ لیکن ابھی آئی تھنک جو بے شک ڈسکشن تو ہو رہی ہے، اور اس کے حوالے سے پہلے بھی خبریں چھپتی رہیں کہ شاید واخان کوریڈور جو ہے وہ جلد اوپن ہو جائے گا، لیکن جو میرے پاس معلومات ہیں کہ چین جو ہے بڑا کوشیسلی اس کے حوالے سے موو کر رہا ہے، اور جب تک اس کو جو سیکیورٹی گارنٹیز مل نہیں جاتی، کیونکہ اس کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ اگر وہ واخان کوریڈور اوپن کرتے ہیں اور وہاں سے براہ راست تجارت شروع ہوتی ہے افغانستان اور چین کے درمیان، اور اس تجارت کی آڑ میں اگر افغانستان سے کچھ جو ملٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ سنکیانگ کے علاقے میں ان کی پینیٹریشن ہوتی ہے اور وہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے، تو پھر چین کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ تو جب تک چین کو یہ فرم ایشورنسز مل نہیں جاتی، جب تک ان کو یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ جو واخان کوریڈور ہے یہ تجارت کے علاوہ کسی اور نیگیٹو پرپز کے لیے استعمال نہیں ہوگا، تو اس وقت تک آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ واخان جو کوریڈور ہے اس کو ری اوپن کریں گے۔ دوسرا یہ جو میں نے کہا کہ بدخشاں کا جو صوبہ ہے اور جو واخان کوریڈور ہے، یہ بڑا ایک آئسولیٹڈ اور بہت ریموٹ ریجن ہے افغانستان کے اندر بھی، اور ایون افغانستان جب اگست 2021 میں آئے اقتدار میں واپس تو تب یہ وہاں پر دیکھے گئے، ادروائز وہاں کی جو پاپولیشن بھی ہے کوئی بہت زیادہ نمبر نہیں ہے، کہا یہ جاتا ہے کوئی 15,000 سے 17,000 کے قریب ڈفرینٹ یو نو ولیجز میں وہاں پر لوگ رہتے ہیں، اور میجورٹی وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کے نظریے سے بھی اتفاق نہیں کرتے، وہ افغان طالبان مخالف آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گروپ ہیں ود ان افغانستان ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو جب اگست 2021 میں افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے تو کچھ پریزنس دیکھی گئی تھی اس علاقے کے اندر، لیکن پھر وہاں سے افغان طالبان چلے گئے تھے کیونکہ جو لوکل وہاں پہ پاپولیشن ہے وہ اس طرح سے طالبان کی پریزنس کو انہوں نے پسند نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے اس کی انٹرنل ڈائنامکس بھی ہیں اس اعتبار سے کہ وہاں پہ جو لوکل پاپولیشن ہے بالکل ڈفرینٹ ان کا جو نظریہ ہے، ڈفرینٹ ان کا کلچر ہے، اور وہ افغان طالبان کو اس طریقے سے پسند نہیں کرتے، اور آئی ایم شیور کہ جو چین ہے وہ ان سینسٹیوٹی سے بھی واقف ہوگا۔ بٹ نیور دا لیس جو واخان کوریڈور ہے، ماضی کے اندر جس طرح وہ کہتے تھے گریٹ گیمز اور نیو گریٹ گیمز کے جو کانسیپٹس ہمیں نظر آتے تھے، وہ ایک جو فوکس تھا وہ واخان کوریڈور کے اوپر بھی ہمیشہ رہا ہے۔ یہ اولڈ سلک روٹ تھا، اور چین کی جینونلی جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی ہے، وہ جو اولڈ سلک روٹ ہے اس کو وہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ واخان کوریڈور ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے ان فیوچر۔ بٹ ایز آف ناؤ باوجود اس کے کہ جو افغانستان کی افغان طالبان کی خواہش ہے کہ واخان کوریڈور کو اوپن کیا جائے، لیکن بظاہر ابھی چین شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کوریڈور کو اوپن کیا جائے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا آگے اس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ بٹ نیور دا لیس افغان طالبان کم از کم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے متبادل ڈھونڈے جائیں، کیونکہ آبویسلی ایک لینڈ لاک کنٹری ہے افغانستان، اور اگر پاکستان کے ساتھ ان کی تجارت نہیں ہوتی یا اس میں ریسٹرکشنز آتی ہیں، آن اینڈ آف بارڈر بند ہو جائے گا، تو ان کو باقی دنیا کے ساتھ یا تجارت تو کرنی ہے، اپنی معیشت کو بھی چلانا، تو اس کے لیے وہ متبادل ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ افغانستان کے اندر جو خود بزنس کمیونٹی ہے، امپورٹرز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، وہ افغان طالبان کو واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ آپ بے شک چابہار پورٹ کی بات ہو یا ایون جو واخان کوریڈور، ابھی تو اس کے اوپر صرف ڈسکشن ہی ہو رہی ہے، فی الحال پاکستان کا کوئی بہتر متبادل ہو نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان کے رستے جو رسائی ہمیں دنیا تک ہے یا دنیا سے چیزیں جو ہم منگواتے ہیں، یہ سب سے ایزیسٹ اور بہترین روٹ ہے جو پاکستان کے ذریعے ہمیں ملتا ہے، اور کسی اور رستے سے اگر ہم تجارت کریں گے دنیا کے ساتھ اس کی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہوگی، اور شاید وہ ان کے لیے اتنا وائبل بھی نہیں ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے پھر معاملات کیسے بڑھتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی اگر اوورال بات کریں،
उसमें तो अभी भी एक डेड लॉक बरकरार है, क्योंकि जो मेन इशू है TTP वाला वो अपनी जगह पे आज भी बरकरार है। कल भी हमने देखा कि जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के कम अज़ कम 7 दहशतगर्दों ने पाकिस्तान अंदर घुसने की कोशिश की, जिसको नाकाम बनाया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने। ISPR ने स्टेटमेंट जारी किया था और उसकी तस्दीक खुद जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है उन्होंने भी की थी कि यस उनके जो दहशतगर्द थे उन्होंने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें नाकाम बना दिया। आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी कोशिश होती है कि आपको उन इश्यूज़ के हवाले से आगाह किया जाए जो आम तौर पर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी और ख़ास करके YouTube के ऊपर भी उस पर बहुत कुछ सुनने को नहीं मिलता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि ऐसा कंटेंट लाया जाए जिस पर बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।